So this is our first chapter that we finished from term one. Now the syllabus has been finished. So the very first chapter I'm going to revise is the biodiversity and its conservation. Okay. Biodiversity, as the name says, what is biodiversity? Biodiversity is the living organisms and the diversification in that. That is the variety of the living organisms which are available. When earlier this earth was formed, when earlier the living organisms, that is the life, originated on the earth, there was limited species which were available. And also, कोई किसी ने उन चीजों को पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था. Later along, जैसे जैसे humans जो हैं वो आगे आगे studies में taxonomy को पढ़ा, taxonomist जो हैं वो बने, they basically been involved in this particular study of the living organisms, their variety, their diversification. Then we got to know that there is a huge biodiversity. Many of the species are available, from animals, plantae, microorganisms, maybe bacteria, viruses, fungal members. So बहुत सारे हमारे पास living organisms जो हैं वो available हो पाए. And then time and again आगे आगे हमारे पास classifications आती गई, groups आते गए. फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे varieties of the groups understanding के लिए बनती गई. But otherwise, if we look on what are the various levels of biodiversity, मतलब biodiversity तो बनाई लोगों ने, taxonomists ने biodiversity के बारे में तो पढ़ा, पर अब ये organisms अगर हम list कर रहे हैं, that can be listed at the three basic levels of the biodiversity. That is, what are the basic levels of the biodiversity? Number one, हम इनको biodiversity को study कर सकते हैं based upon the genetic level. जेनेटिक लेवल पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, जीन्स इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, उन जीन्स की वजह से इतने सारे करेक्टर्स आए हमारे पास, डिफरेंट वैरायटीज आई है. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट लेवल इज दैट एट द जेनेटिक लेवल ऑफ द बायोडायवर्सिटी, राइट. द सेकेंड लेवल इज बिकॉज ऑफ द वेरिंग जीन्स द करेक्टरिस्टिक्स वर वेरिएबल. वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स आए, बहुत सारे अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स आए. इन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जब हमने क्लासिफिकेशन की भी बात करी, तो क्लासिफिकेशन एवरी नाउ एंड देन द क्लासिफिकेशन हैज बीन आल्सो चेंजिंग, है ना. क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वुड हैव द डिफरेंट फीचर्स और द सिमिलैरिटी इन द फीचर्स. सो डिपेंडिंग अपॉन सिमिलर फीचर है या डिफरेंट फीचर्स है, उनके बेस्ड पे आप लोग को याद है क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं हम टेक्सोनॉमी में, उसका भी थोड़ा कंसर्न आपको साथ में रखना पड़ेगा. टैक्सोनॉमी में जब भी क्लासिफिकेशंस पढ़ी जाती है, वी आर प्रोवाइडेड विद द हायरार्की. एंड व्हाट इज द लीस्ट लेवल ऑफ द हायरार्की इन द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द लीस्ट लेवल? हाँ जी, व्हाट इज द लीस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन? एनीवन? दैट मेक्स द सेकंड लेवल ऑफ द बायोडायवर्सिटी टू बी अंडरस्टूड. बोलो. Species level, so that makes the second level. अब हम लोगों ने general level पे भी biodiversity देख सकते हैं, पर general से भी ज़्यादा brief, specific कौन है? Species, ठीक है? तो species level पे biodiversity को पढ़ा गया, found हुआ कि इतनी सारी species हैं, nearly four million species of the animals, nearly 2 million species of the plants, and so many of the bacteria and the viruses. तो ये सारी species level पे biodiversity जो है वो पढ़ी गई. अगर इनको जनरल लेवल तक हम पढ़ते तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा लिमिट हो जाती, मतलब कम हो जाती. लेकिन स्पीशीज में बिल्कुल ब्रीफ, बिल्कुल स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हमें, फॉर एग्जांपल सोलेनम जैसे हम लोग कंसीडर करते थे 11th में, इफ यू रिमेंबर. तो सोलेनम इज वन जेनरा, बट इट हैज फोर अदर स्पीशीज, सोलेनम ट्यूबरोसम, मेलानोजेना, लाइकोपर्सिकोना एंड नाइग्रम, है ना. यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो हियर. तो सोलेनम मेंबर एक जेनरा है. जनरल लेवल पे अगर हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी तो हमारे पास कम नंबर्स आते हैं, पर स्पीशीज में क्योंकि स्पेसिफिसिटी आ गई, वहां पे और स्पेसिफिक फीचर्स आ गए और करेक्टरिस्टिक फीचर्स आ गए, तो इसलिए स्पीशीज लेवल पे क्या हुआ, हमारे पास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ गए, बायोडाइवर्सिटी और भी ज्यादा आ गई, क्योंकि वो डिफरेंट है. टोमेटो इज डिफरेंट फ्रॉम पोटैटो, पोटैटो इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिंजल, दैट आर द वैराइटीज ऑफ द सोलेनम, है ना, एंड मको द फोर्थ वैराइटी, नाइग्रम. ठीक है, तो ये स्पीशीज जो है हमें स्पेसिफिक करेक्टर्स के बारे में बताती है, एंड हेंस द बायोडायवर्सिटी इज स्टिल लार्ज. नाउ वी कैन आल्सो स्टडी इट एट द इकोलॉजिकल लेवल. इकोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, है ना, द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट विच एक्चुअली इफेक्ट्स द बायोडायवर्सिटी.
the environment that which actually resulted in the growing up of the biodiversity, that is making more of the number of the species. Within the common environment, what are the various species which are interacting with one another or one another se zyada nahi interact kar rahe. Okay, so that is all included in this particular level of the biodiversity. So basically there are three levels of the biodiversity: genetic, species and ecological. But out of these, what according to you shows the maximum biodiversity? Out of these three levels, what according to you shows the maximum biodiversity? Number of the thing which can be maximum. What according to you? Anji, raise your hands. ज्यादा होगा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में विद इन अ कॉमन एनवायरनमेंट स्पीशीज काउंट ज्यादा होगा या किसी जेनरा का या किसी ग्रुप्स में सारे ग्रुप्स में स्पीशीज का काउंट ज्यादा होगा या जीन्स का काउंट ज्यादा होगा थिंक ऑफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको किस लेवल पे मिल सकती है जेनेटिक लेवल पे स्पीशीज लेवल पे इकोलॉजिकल लेवल पे No answer. Yes, tell me. Mayank, unmute yourself. Those who are present in the class, please raise your hands. Gitesh. Gitesh ji, unmute karo. Yes, ma'am. Bolo. Which of these three levels will show the highest number of organisms? Highest number of this particular organism. So based upon what? मतलब highest number किस में आएगा आपके पास? Genetic level पे आएगा, species level पे आएगा, ecological level पे आएगा? या सब में same आएगा? या सब में same आएगा? यशिका, हाँ जी गितेश. इसमें आएगा? इसमें आएगा? Species में. स्पीशीज में क्यों आएगा स्पीशीज अच्छा कौन है इसके साथ जो है रितेश के साथ स्पीशीज में है काउंट सबसे ज्यादा व्हाई स्पीशीज रितेश जस्टिफाई योर आंसर स्पीशीज में हाँ बोलो बोलो इंडिविजुअली देखते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं स्पीशी डिफरेंट होंगी तो काउंट ज्यादा होगा देखो अब हम हैं ठीक है होमो सेपियंस सेपियंस आर द मॉडर्न मैन होमो सेपियंस सेपियन इज अ मॉडर्न मैन ठीक है हम मॉडर्न मैन ठीक है अब इससे पिछले वाली वैरायटीज में जाओ स्पीशीज जो है होमो इरेक्टस है होमो हैबिलिस है ठीक है और भी पीछे पीछे वैरायटीज जो थी आपकी एवोल्यूशन चैप्टर आपको नहीं है तो आपको नहीं ज्यादा पता बट से होमो की मैंने तीन स्पीशीज का नाम बोल दिए एक बोला सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन एक है सेपियंस कला एक है इरेक्टस और एक है हैबिलिस ठीक है चार बोल दिए मैंने अब ये एक जेनरा की चार स्पीशीज है स्पीशीज के लेवल पे तुम्हारे पास इतना चार नंबर आ गया दैट इज यू आर काउंटिंग दोज एज फोर स्पीशीज ईच स्पीशीज हैविंग हाउ मेनी जीन्स हम लोगों ने एक एचजीपी किया था लास्ट टर्म में इफ यू रिमेम्बर एचजीपी में हमने किया था दैट इज द ह्यूमन डीएनए कैरीज हाउ मेनी जीन्स ह्यूमन डीएनए कैरीज हाउ मेनी जीन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन बेस पेयर्स Approximately 3 million of the genes पढ़े थे हमने if you remember HGP के according तो अगर एक species के अंदर इतनी सारी genes available हैं एक species of homo sapien sapien modern man एक species है और एक species के अंदर genes कितनी है 3 million तो ज्यादा कहाँ है genetic पे कम कहाँ है ecological ठीक है so सबसे ज्यादा जो है आपको variety of the characteristics जो है वो genetic level पे आपको genes का count अलग अलग नजर आ रहा है सबसे ज्यादा स्पीशीज पे उससे कम इकोलॉजिकल लेवल पे सबसे कम इकोलॉजिकल जैसे मैंने अभी भी बताया नहीं कुछ समझ आता है तो बेटा प्लीज पूछो मेरे से ठीक है इकोलॉजिकल का मतलब अभी हमने लिया से एक हमने कॉन्टिनेंट ले लिया ठीक है से ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया एक छोटा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ठीक है अब उस कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी स्पीशीज है हमने काउंट कर दैट इज वेरी लिमिटेड थोड़ी होगी ना थोड़ी होगी अगर मैं एशिया एज अ कॉन्टिनेंट लेती द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट तो क्या होता ज्यादा होती है ना तो बट दे आर लिमिटेड फ्रॉम द होल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इफ वी काउंट इकोलॉजिकली वी आर लिमिटिंग द नंबर स्पीशीज वाइज वी आर लिमिटिंग द नंबर बट जेनेटिकली इट हैज
मोर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था जेनरा में, हमने क्यों नहीं लिया स्पीशीज लेवल, क्यों लिया क्यों नहीं हमने यहाँ पे जेनरा लेवल लिखा, वो जेनरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जेनरा लेते तो काउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होता, बायोडाइवर्सिटी जेनरल लेवल पे कम स्टडी होती, लेकिन डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल ज्यादा स्टडी होगी इन कंपेरिजन टू जेनरा स्पीशीज पे ज्यादा होगी, बट इन कंपेरिजन टू जीन्स स्पीशीज पे ज्यादा नहीं होगी, जीन्स पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी हैपन्स मोर एट द जीन्स लेवल, दैट इज द फर्स्ट लेवल, इट इज द जेनेटिक लेवल। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटाज विच हैव बीन कलेक्टेड टैक्सोनॉमिस्ट, दे हैव कलेक्टेड ऑल द वैरायटी ऑफ द नंबर्स एंड देयर आर ऑल्सो द पाई चार्ट्स विच आर गिवन इन योर बुक, दोज पाई चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बोर्ड्स में पेपर्स में एज सच आपको आए हुए हैं, पाई चार्ट बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस को ए बी सी डी लेबल करेंगे एंड देन यू आर टू मार्क व्हाट इज ए और बी और सी और डी। ठीक है, बट काउंटिंग आउट होल एज अ होल हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, दैट इज नियरली 70% ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितनी डाइवर्सिटी है उसमें 70% नियरली हमारे पास एनिमल्स के मेंबर्स हैं, एनिमेलिया मेंबर्स हैं। अमंगेस्ट एनिमल्स नियरली 70% आर द इंसेक्ट्स। अब एनिमल्स के ग्रुप में भी देखें तो 70% इंसेक्ट्स हैं। इफ यू रिमेंबर फ्रॉम 11th आल्सो वी हैव स्टडीड द लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट इज, व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम of kingdom animalia, anyone? Largest is arthropoda, arthropoda ke andar largest class hoti hai insecta, that is why it makes a 70% of the insects as out of the whole animals. Theek hai, the largest phylum is arthropoda which carries the class insecta, second largest phylum is mollusca, theek hai, octopus wala, right? So this is 70% of all the living organisms, that is out of all living organisms, agar hum baat kare, out of all the living organisms, if I talk about, so 70% are the animals, out of all living organisms. And if I talk about only the animals, then out of those, 70% are the insects, right? Whereas the plant species, they make up to the 22% of the all living organisms. And what are the rest? 70% animals and 22% plants and ye to chalo jaise alag alag animals ke andar 70%, the 70% is 22% is 92%, and what is 8%? They are the other living organisms including all the microbes. Theek hai, done. So this is the data we have obtained. Now there are particular factors that which affects the biodiversity and its growth. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहाँ होगी और कहाँ पे इसका इफेक्ट जो है ज्यादा होगा या कम होगा, तो what is this? These are the patterns that describes the patterns of the biodiversity. How it is being affected? मतलब ग्रोथ ज्यादा है, अगर आपको किसी एरिया में ज्यादा मिल रही है बायोडाइवर्सिटी, क्यों मिल रही है? हम कहते हैं कि हमारी अर्थ है, सिंपल अर्थ है, पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, सो दिस इज द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पहला पैटर्न आता है हमारे पास लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, सेकंड इज स्पीशी एरिया डिविजन। तो फर्स्ट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, डू यू नो व्हाट आर लैटिट्यूड्स? यू माइट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस इन योर ज्योग्राफी, व्हाट आर लैटिट्यूड्स? हाँ जी, what are latitudes? The lines of the that which runs parallel to the earth, you know, that is the lines along the equator and everything, okay, which are dividing the earth into the different of the zones, right? 0 degree se ek latitudinal line aati hai, that which divides the earth into the equal halves, and that is the equator, that is one of the latitudes, right? The main at the 0 degree, okay, so this is, sorry, 0 degree, so this is the equator. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच कहाँ पे है, कम कहाँ है, ज्यादा कहाँ पे, ठीक है? ऐसा माना जाता है कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंगली जो इक्वेटर के पास के एरियाज हैं, ठीक है, दैट आर द ट्रॉपिकल एरियाज, द इक्वेटर के पास जो एरियाज हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग द डायरेक्ट सनरेज, देयर आर द डायरेक्ट सनरेज फॉलिंग ऑन दिस नियर टू द इक्वेटर, ठीक है,
because of these there is more of the biodiversity which is available. I'm showing it with the arrows up. That is increase the biodiversity near to the okay. But as you go away from the equator, that is at 90 degree pole pe chale jao, polar region pe chale jao, 90 degree north hai, 90 degree south hai, to poles ki regions ki taraf chale jao, the biodiversity is decreasing. As you go away, it is decreasing towards the polar regions. Hai na? So it is limited out here and it is very less out here. ठीक है सबसे ज्यादा कहां पे मिल रहे हैं हमें एरोज आई एम शोइंग जस्ट द इंक्रीज्ड टाइप ऑफ द दिस बायोडायवर्सिटी ओके द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इट इज रिचेस्ट नियर द इक्वेटर एज यू गो अवे इट इज बिकमिंग डिक्रीज एज यू गो स्टिल अवे दैट इज टुवर्ड्स द पोल्स इट इज रिड्यूसिंग है ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाते हैं पोलर बेयर्स हैं सील वगैरह वॉलरस वगैरह जो है ऑर्गेनिजम्स आपको दिखते हैं पोल्स पे भी तो डाइवर्सिटी इज देयर बट very reduced as in comparison to these areas which are near to the equator why so that is because of the sun radiations solar energy is the most important energy for the plants to grow and if the plants are there the animals will also be surviving hai na so plants aur animals ki direct relation hai survival mein plants survive kar rahe hain to animals kar rahe hain plants nahi karenge to animals bhi nahi karenge so that is supported according to the first pattern kya bana hua hai yahan pe pattern kya aaya hamara biodiversity mein earth ke upar pattern kya hai that is the more biodiversity right and as you go to the poles it is reduced why that can be described with this first the first pattern that is described through the latitudinal gradients getting So according to the latitudinal gradient, the species diversity that decreases from the equators towards the poles. Then the second is species area relationship. Who studied the species area relationship for the first time? Who was the person? Who was the person who has studied the species area relation for the first time? Please raise your hands if you have studied. I ask you people to study it firstly. Only Tushar is giving the answer. What about the others? Yes, only Tushar is raising the hand every time. What about the others? You people have also studied. You must have studied because I told you yesterday that today we are going to revise it. Revision doesn't mean that everything I have to say and I have to give the question and I have to produce an answer for that. हाँ जी तुषार बताओ हम बोल्ट पूरा नाम क्या है वो याद नहीं मैम थोड़ा याद नहीं है अलेक्जेंडर वॉन हम बोल्ट ठीक है सो दिस वाज़ द पर्सन अलेक्जेंडर वॉन हम बोल्ट जिन्होंने हमें स्पीशी एरिया रिलेशन के बारे में बताया ठीक है अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड एज द एरिया इज इंक्रीज द काउंट ऑफ द स्पीशीज इज आल्सो इंक्रीजिंग है ना तो इन्होंने क्या बोला अगर हमारे पास गार्डन में से हम लोगों ने 1 by 1 meter square का एक स्क्वायर लिया है देयर आर अ फ्यू वराइटीज ऑफ द स्पीशीज से चार नंबर है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स लगे छोटे से स्क्वायर में अगर हम इंक्रीज कर देते इसको 2 by 2 का स्क्वायर बना दें द स्पीशीज विल स्टिल बी इंक्रीज कुछ तो बढ़ेंगी ना ए बी कुछ अलग अलग तरह के लिए मैंने कुछ तो बढ़ेगी आई एम नॉट जस्ट एग्जैक्टली एग्जैक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं बढ़ा रही हूँ मैं ठीक है तो इट इज कुछ तो काउंट बढ़ेगा 2-3 ही सही लेकिन बढ़ेंगे ना एरिया बढ़ रहा है अब मैंने इसको 3 by 3 का स्क्वायर बना दिया 3 by 3 का स्क्वायर बना दिया स्टिल मोर नंबर विल बी काउंटेड सो मीन्स वॉट अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज इफ द एरिया इंक्रीजेस द स्पीशीज ऑल्सो द काउंट ऑफ द स्पीशीज ऑल्सो increases that is the species area relationship that is also supported by an equation s is equal to c a to the power z okay this is not 2 ye square nahi hai theek hai species area ka square nahi hai tabhi maine bhi yahan pe ye fifth number dal diya tha saath mein it is not exactly the square
यू कैन रिड्यूस द नंबर और मोर नंबर्स, यहाँ पे मैं दो तीन ही डाल देती हूँ ताकि आपको पता लगे कि इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, इट इज नॉट द स्क्वेयर, इट इज जेड. जेड इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस डिस्क्राइब्स द होल ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्राइब्स द स्पीशी एरिया रिलेशनशिप्स. अगर आप इसमें लॉगरिथमिक वैल्यूज निकालते हैं, दिस कम्स आउट टू बी इन अ लॉगरिथमिक स्केल. दिस इज लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, एंड दिस गिव्स यू अ स्टीपर स्लोप. स्टीपर स्लोप, स्टीपर मीन्स जितना ज्यादा स्पीशी रिच होता जाएगा उतना ही स्लोप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता रहेगा. फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर द स्पीशीज एंड इट्स एरिया. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? एस स्टैंड्स फॉर स्पीशीज, सी इज इट्स वाई इंटरसेप्ट, वाई वैल्यू, देन जेड इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन, एंड ए इज द एरिया. ओके, दोज़ हू हैव गिवन द टेस्ट, द फर्स्ट टेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का, जो मैंने टर्म टू में फर्स्ट टेस्ट लिया, उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी डाला था. मे बी मयंक, मानसी, तुषार, यू माइट बी नोइंग, एक क्वेश्चन डाला था, हु हैज स्टडीड दिस पैटर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, एंड व्हाट वर द वैल्यूज ही हैज फिगर्ड आउट फॉर हिम. यूजुअल वैल्यू ही हैज फिगर्ड आउट दैट फॉर द लिविंग स्पीशीज विच आर फाउंड इन एन एरिया, द वैल्यू ऑफ द जेड, दैट इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन, दैट लाइज बिटवीन 0.6 टू 1.2, that lies between 0.6 to 1.2. The value of the z lies in the range of 0.6 to 0.2, 1.2. Please confirm, it's 1.2 or 0.2. I think it's 1.2. It is 0.6 to 1.2. Okay. For the larger continents, this is the value. एंड ये लार्जर कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको दैट ऑफ द एशिया. ठीक है, लार्जर कॉन्टिनेंट्स के लिए 0.6 से 1.2 का वैल्यू रहता है. फॉर द फ्रुगीवोरस एनिमल्स, फ्रूट ईटिंग जो एनिमल्स हैं, फ्रुगीवोरस, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स की अगर हम वैल्यू लें, ठीक है, फॉर एनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट में सिर्फ हम लोग फ्रूट ईटिंग एनिमल्स की वैल्यू लें, इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग ये चेक करें, देन द वैल्यू ही हैज कैलकुलेटेड वॉज 1.15. ठीक है, एंड ऑन एन एवरेज फॉर द स्मॉलर कॉन्टिनेंट, और फॉर अगर छोटे से एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, या छोटा सा छोटे फॉरेस्ट की बात करें, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस, अगर हम अर्थ के छोटे से पार्ट की बात करते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करते, तो द वैल्यूज राइजेस फ्रॉम दैट लीव्स फ्रॉम 0.2 टू 0.6 टू 0.2. ठीक है, सो दिस इज लार्जर continents, they are exhibiting till 1.2 and frugivorous till 1.15. ये values आपकी book में दी हुई है, तीनों values. ये actually ना एक बार paper में आ भी चुका है question. Board paper में ये question आ चुका है 3 marks में. ठीक है, what things you were supposed to write? The person's name, then the relation along with the equation. Equation को expand जरूर करना है जब भी लिखना है. पूछा है या नहीं, कोई बोलेगा नहीं कि किसी को expand करके बताओ. आप लोगों ने जब भी इक्वेशन लिख रही है साथ में एक्सपैंड जरूर करना. ठीक है, और तीसरी चीज द वैल्यूज. ठीक है, फॉर लार्जर कॉन्टिनेंट्स दिस वन, फॉर फ्रुगिवोरस दिस वन, एंड फॉर द स्मॉलर एरियाज और द स्मॉलर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और स्मॉल एरिया, देन इट इज लाइंग बिटवीन 0.6 टू 0.2. ओके, 0.6 टू 0.2, राइट. सो दिस इज द सेकेंड पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी विच इज एक्सप्लेन्ड बाय द हम्बोल्ट. अकॉर्डिंग टू हिम this was the species area relationship which describes that more species more area the more species will be there. theek hai, ab iske sath ek aur concept aata hai aapko, that is of the Paul Ehrlich theory hypothesis. what was that? can anyone please tell me if you have studied the chapter, what was that hypothesis name? and it was given by Paul Ehrlich. Anyone please raise your hand for the hypothesis which is related to the area and the species richness only, that is given by Paul Ehrlich. And what is the name of that hypothesis? I want the name of this hypothesis given by Paul Ehrlich. Again, Tushar, what about the others? What the others are doing?
Yashika, Mayank, Samriddhi, Mansi, Gitesh, anyone? Yes, Yashika, have you studied biodiversity? No. Anji Tushar, tell me. Rivet popper hypothesis. Rivet popper hypothesis. What is this rivet and popper? What does rivets represent? What is this hypothesis? Anji? बताओ रिवेट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कंपोनेंट ऐसे कुछ था, स्पीशीज पता नहीं. स्पीशीज थी, ठीक है, मैं बताती हूँ. इनके हिसाब से क्या है, पॉल एल्ड्रिच ने ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस लगाया. इस हाइपोथेसिस को क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने? उन्होंने हमारा एक इकोसिस्टम को कंसिडर किया है एज एयरप्लेन, दैट इज एन एरोप्लेन, ठीक है. फिर उन्होंने दूसरी तरफ हमारे लिए स्पीशीज बायोलॉजिकल को बायोलॉजिकल के सामने लिखें याद रखने के लिए. सिंपल है कंसेप्ट, लेकिन जब तक हम सिंपल बनाएंगे नहीं वो सिंपल बनेगा नहीं. दूसरा उन्होंने लिया इकोसिस्टम में रहने वाली स्पीशीज, ठीक है. अब स्पीशीज ली हैं स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इतना बड़ा, स्पीशीज छोटी सी, और एयरप्लेन इतना बड़ा और उसके रिवेट्स नट्स एंड बोल्ट्स छोटे से, ठीक है. तो इसलिए इसका नाम भी आता है रिवेट, ठीक है, द बोल्ट्स छोटे छोटे से. अब यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट उन्होंने समझाया, अगर एयरप्लेन में से रिवेट्स एक एक करके निकालने शुरू कर दें, कोई पैसेंजर है, ठीक है, अगर एक एक करके रिवेट्स निकालने शुरू कर दें तो क्या होगा? इनिशियली तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना एरोप्लेन को, है ना. सीट में से एक बोल्ट निकाल दिया, ओके है. हर सीट में से एक एक निकाल दिया, ओके है. लेकिन जब सारे के सारे बोल्ट्स निकालने शुरू कर दिए, जब विंग्स के बोल्ट्स निकल गए, जब विंडोज के डोर्स के बोल्ट्स निकल गए, तो क्या होगा? पूरा एयरप्लेन क्रैश हो जाएगा, है ना. एरोप्लेन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना. कोई इसका अपना वजूद नहीं रहेगा. दैट इज वॉट हैपन्स टू अवर लिविंग स्पीशीज एज वेल. फ्रॉम एन इकोसिस्टम इफ वन और टू इनिशियली एक या दो स्पीशीज अगर डाई हो रही हैं, जो नेचुरल फिनोमिना है, उससे अगर ये खत्म हो रही हैं, देयर इज नॉट मच यू कैन से इम्बैलेंस क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम. ज्यादा इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होगा, एक दो तीन कुछ काउंट ऑफ स्पीशीज अगर खत्म हो रही. बट अगर ये स्पीशीज जो हैं बहुत ज्यादा रिमूव कर दी जाए, मतलब इतना ज्यादा एक्सटिंक्ट होनी शुरू हो गई है स्पीशीज, नवी बन नहीं रही है, पुरानी एक्सटिंक्ट होती जा रही, जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ गए, कुछ भी फैक्टर्स आ गए, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ही आ गए आपने पढ़ा, व्हाट आर द रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आगे पढ़ेंगे आप, दैट इज डिपेंडेंसी, को एक्सटिंक्शन है, ठीक है, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एलियन स्पीशी इन्वेजन है, ये सारे हम लोगों ने पढ़ने आगे. कोई भी रीजन है, कोई भी रीजन है, लेकिन स्पीशीज जो है वो खत्म होनी शुरू हो गई एंड दे आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, है ना. स्पीशीज काउंट इतना बढ़ गया है तो हमारा इकोसिस्टम हिल जाएगा. स्पीशीज का डिस्ट्रक्शन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इकोसिस्टम हिल जाएगा. इन द सेम मैनर एज वी टॉक्ड अबाउट द रिवेट्स, बोल्ट्स अगर बहुत ज्यादा हटा दिए जाए तो एरोप्लेन क्रैश हो जाए. तो इन द सेम मैनर ही हैज जस्ट कोलिंक्ड दिस यू कैन से फिजिकल टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल विद अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है. सो दिस वॉज अ पर्सन पॉल एल्ड्रिच, ही हैज गिवन दिस हाइपोथेसिस, दैट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है. वन थिंग मोर बेटा, इफ आई एम डिस्कसिंग इट अगेन इन डिटेल्स अबाउट फॉर यू पीपल, बिकॉज दिस वॉज अ चैप्टर वी हैव फिनिश्ड लॉन्ग बैक, ठीक है. So I thought of discussing this chapter again. Again, the thing that I'm not getting the more of the answers, time is also getting over and we'll be continuing this chapter tomorrow. I'm not getting more of the people involved in this, right? Those who are here, they need to be very attentive. They need to give the answers, at least speak out something what I'm asking. Okay. Also for today, whatsoever the topics I have covered, this is approximately half of the chapter I've done. Just a bit of it is left. I think less than half is left. More than half I've completed. So this is, you are to also learn this today itself. ठीक है, आज के आज ही आपको ये याद करना है. टाइम लगे तो अगला भी रिवाइज कर लेना, नहीं तो हमने कल रिवाइज करना ही है, कल के कल आप इसको याद करके कंटिन्यू कर लेना और खत्म कर लेना इस चैप्टर, ठीक है. योर सपोर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इफ यू पीपल वॉन्ट टू स्कोर गुड. योर फुल
interest is required in this. Okay. Anything you want to ask from today's lecture, what we have discussed till now?